तो बड़ी खबर इस वक्त की एक और आ रही है। सीमा के साथ एटीएस की पूछताछ फिलहाल खत्म हो गई है। सीमा हैदर के साथ करीब 8 घंटे तक पूछताछ चली है। एजेंसियां फिलहाल जानना चाहती हैं कि आखिरकार सीमा हिंदुस्तान तक कैसे पहुंची, किन किन लोगों के संपर्क में आई। फिलहाल सचिन के पिता से भी पूछताछ की गई है, सचिन से भी पूछताछ की गई है। सीमा हैदर इस बीच जिनके भी संपर्क में आए उन तमाम लोगों का पता लगाने की फिलहाल एजेंसियां कोशिश कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, करीब 8 घंटे तक सीमा हैदर के साथ पूछताछ चली और फिलहाल ये पूछताछ खत्म हो गई है। तो पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक हर जगह सीमा हैदर के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं, चर्चा हो रही है। पाकिस्तान में भी लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं सीमा हैदर से, जबकि हिंदुस्तान में भी लोग सीमा हैदर के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। कोई सीमा हैदर को जासूस बता रहा है, लेकिन एजेंसियां मालूम करना चाह रही हैं कि सीमा हैदर अगर हिंदुस्तान पहुंची तो किस रास्ते से पहुंची, किन किन लोगों के संपर्क में सीमा हैदर आई, किन किन लोगों की मदद ली। तमाम फोन कॉल, फोन डिटेल जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं। सीमा के तमाम सहयोगियों से भी पूछताछ की जा रही है। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई और नेपाल होते हुए हिंदुस्तान में दाखिल कैसे हुई? इस सवाल का जवाब यूपी एटीएस तलाशेगी। यूपी एटीएस सीमा के सारे सफर के दौरान इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर और उनकी कॉल डिटेल्स को भी खंगालेगी। यूपी एटीएस सीमा के अलावा उसके परिवारजनों की जानकारी भी जुटाएगी। यूपी एटीएस ने जाँच पड़ताल शुरू भी कर दी है। यूपी एटीएस जाँच कर रही है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई और फिर वाया नेपाल भारत कैसे आई। इस दौरान वो किन लोगों के संपर्क में आई उसकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। इतना ही नहीं, पूरी यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों की भी पड़ताल होगी। साथ ही यूपी एटीएस सीमा के सभी परिजनों की कुंडली भी निकलवाएगी। इसके लिए तकनीकी मदद ली जाएगी। कोई भी दरवाजा अभी नहीं खुल रहा है, लेकिन क्योंकि एटीएस की जो नोएडा यूनिट है थोड़ी देर पहले हिरासत में उसे लिया है। सीमा के आईडी कार्ड हाई कमीशन भेजे गए हैं और सीमा के चाचा भी क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी में सूबेदार थे। यूपी एटीएस सीमा हैदर की गतिविधियों की भी जांच कर रही है। इसके अलावा उसके पाकिस्तानी संपर्कों की भी जांच हो रही है। कई सवाल ऐसे हैं जो सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी को शक के दायरे में खड़ा करते हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर की पबजी गेम के दौरान ग्रेटर नोएडा के रुबूपुर निवासी सचिन मीणा से मुलाकात हुई। मोबाइल गेम से मामला बढ़ते बढ़ते प्रेम संबंधों तक पहुंच गया। सचिन की मोहब्बत की खातिर सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत पहुंच गई। लेकिन एक 5वीं पास सीमा कैसे सरहद पार कर गई? सीमा ने 4-4 मोबाइल फोन क्यों रखे थे? 6 पासपोर्ट रखने की आखिर क्या जरूरत थी? और नेपाल के रास्ते भारत की सरहद पार कर 2 महीने तक नोएडा में भी रही, इस दौरान जाँच एजेंसियों को कैसे भनक नहीं लगी? ये भी कहा जा रहा है कि सीमा हैदर के पास 3 फर्जी आधार कार्ड हैं। सीमा बिना जांच एजेंसियों की जानकारी के 2 महीने से ज्यादा वक्त से राजधानी दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा में रह रही थी। उसकी पोल तब खुली जब सचिन एक वकील के पास उसके कागजात बनवाने के लिए गया, लेकिन वकील ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। हालांकि सीमा हैदर खुद को पाक साफ बता रही है। मेरा मकसद मेरा प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगर मैं जासूस होती तो मैं पहले चली आती, जब मैं अकेली आई थी अपनी छोटी बेटियों को ना ले आती। सीमा हैदर खुद को पाकिस्तान का जासूस होने के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। अगर मैं जासूस होती तो मैं खुद चल के वकील के पास ना जाती, क्योंकि मेरे बच्चों को स्कूल में दाखिला चाहिए था, हमारे पास कुछ भी नहीं थे। तो हम उनसे हेल्प लेने गए कि कोई तरीका बताएं कि हम किस तरह कागज वागज बनवा सकते हैं। सीमा हैदर का कहना है कि चाहे उसे जेल भेज दिया जाए लेकिन वो पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी। हालांकि सवाल तभी से उठ रहे थे जब सीमा की गिरफ्तारी और फिर उसकी रिहाई के बाद वो मीडिया कर्मियों की सुर्खियों में छाई रही। वो 4 बच्चों की माँ है, बलूच की रहने वाली है, 5वीं पास है, लेकिन फर्राटेदार हिंदी बोलती है, फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। और पत्रकारों को हम लोग जवाब नहीं दे सकते, अच्छे अच्छे नेता जवाब नहीं दे सकते, इस तरह से वो जवाब दे रही है, बात कर रही है। तो कई बार लगता है कि इस प्रेम में कहीं कोई साजिश तो नहीं है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सीमा हैदर पहले मुस्लिम थी, लेकिन वो इतनी जल्दी कैसे नमाज का तरीका या कुरान की छोटी छोटी आयत तक भूल गई? अगर कोई इंसान 20-25 साल मजहब इस्लाम के ऊपर अमल करता चला आ रहा है, तो क्या वो 10 या 15 या 20 दिन के अंदर वो तमाम 20-25 साल के अपने आमाल और अहकाम को भूल जाएगा?
इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की जिम्मेदारी अब यूपी एटीएस के पास है। तो सीमा हैदर को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और एजेंसियां इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश भी कर रही हैं। एटीएस ने फिलहाल पूछताछ की है, 8 घंटे तक ये पूछताछ चली है, पूछताछ खत्म हुई है और इस पूछताछ में क्या निकला, क्या सीमा से कुछ जानकारी हासिल हो पाई? अजीत सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, 8 घंटे तक पूछताछ चली है, यकीनन सीमा से बहुत कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ इस पूछताछ में निकला, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए बिल्कुल, सीमा हैदर से एटीएस ने लगभग 8 घंटे पूछताछ की और लगभग 12 सदस्यीय टीम ने पूछताछ की। साथ ही सीमा हैदर के पति सचिन और उनके पिता को भी एटीएस साथ में ले गई, क्योंकि जो दस्तावेज, जो कागजात यूपी एटीएस को मिले थे, जो मोबाइल फोन के सिम थे, उन सब के बारे में पूछताछ की गई कि आखिर वो पाकिस्तान से नेपाल कैसे आई, किन किन लोगों ने उसकी मदद की। और जो बात यह हो रही है, वो कक्षा 5 तक पढ़ी है तो उसको इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे आती, वो कंप्यूटर चलाना कैसे जानती है, पाकिस्तानी सेना में उसका चाचा कमांडर है, उसका भाई पाकिस्तानी सेना का जवान है, इन सब बिंदुओं पर एटीएस ने जांच की है। बहुत सारे सवालों का जवाब सीमा ने दिया है, बहुत सारे सवालों का जवाब सीमा ने नहीं दिया है। यूपी एटीएस के रडार पर अभी भी सीमा रहेगी, उससे लगातार पूछताछ, जब भी एटीएस को लगेगा वो पूछताछ करेगी। तो 8 घंटे की पूछताछ में जो एटीएस की लंबी फहरिस्त थी, जो सवालों की 100 से अधिक सवालों की जो लिस्ट थी, उस पर उससे सवाल पूछे गए, कुछ के जवाब उसने दिए हैं। उनके जो पति हैं सचिन, उनसे भी पूछा गया, क्योंकि 13-13 घंटे व्हाट्सएप पर चैट किया गया है, वीडियो कॉल किया गया है। जो वीजा बना, जो पासपोर्ट बना, जो बात दुबई की आ रही, हालांकि उसको नकार दिया था कि दुबई सिर्फ कनेक्टिंग फ्लाइट थी, नेपाल में किसके साथ रही, कहां कहां रुकी, तो बिल्कुल तमाम सवालों के जवाब की तलाश इस वक्त हिंदुस्तान की जनता को भी है, पाकिस्तान की जनता को भी। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सीमा को लेकर दफ्तर से जा रही है इस वक्त एटीएस की जो टीम है। 8 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई है और इस पूछताछ में तमाम जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जा रही है, आखिरकार सहयोगी कौन है, कैसे वह वहां तक लौट कर आई। Zee News.